आज का ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं। अगर फिर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं और काफ़ी सारे आपने ट्राई भी कर लिए हैं फिर भी आपको आधार सेंटर नहीं मिल रहा, तो एक बार ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ फिर जिससे आप बहुत आसानी से आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। आधार सेंटर ओपन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए फ्रेंड, और आप किस प्रकार आधार कार्ड का सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो जिसमें आपको एक नया तरीका लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। जो लोग फ्रेंड ये चाहते हैं मैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो में फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। अगर फिर ये वीडियो आप लास्ट तक रुक गए तो मैं आपको 110% की गारंटी देता हूं इस वीडियो में के थ्रू आप आधार सेंटर को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। एक न्यू तरीके से आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फ्रेंड आपको utiitsl.com इसकी ऑफिशियल साइट में आ जाना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फ्रेंड बताऊंगा कैसे आप यूटीआई के थ्रू आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपको आधार सेंटर लेने के काफ़ी सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग फ्रेंड चाहते हैं कि ऐप में पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा लाइव कैसे आधार सेंटर लेना है अप्लाई करने का, इस वीडियो में अप्लाई का प्रोसेस नहीं बताया गया फ्रेंड, लेकिन हाँ अगर आप एंड तक रुकते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि 100% जेन्युइन तरीका जिससे आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आएंगे अपन तो देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ से साइट मिल जाते हैं काम, जो भी यूटीआई से पेन का काम होता है। यहीं से आपके को आधार सर्विस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी यूटीआई के थ्रू आधार सेंटर भी प्रोवाइड किया जाता है जिनमें आपको तीन चीज़ देखने को मिलती है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, सर्विस अवेलेबल एंड फीस और आधार सेंटर लोकेट। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप यूटीआई से आधार सेवा केंद्र ओपन करते हैं जो भी आपके पास कस्टमर आएंगे उनसे आप कैसे चार्ज करेंगे। अगर फिर यहाँ से चार्ज की बात की जाए तो देख सकते हैं इधर सर्विस बताया गया, इधर चार्ज, इनमें अगर नया आधार लिप बनाते हैं न्यू आधार है जो कि चाइल्ड का तो फ्री रहेगा, बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं जिनमें बीएमयू वाला लॉन्ग रहेगा फ्री रहेगा, उन्हें फिर फुल बायोमेट्रिक विद यहाँ से विदाउट डेमोग्राफी अपडेट, यानी आप किसी का फुल बायोमेट्रिक करते हैं विदाउट डेमोग्राफी अपडेट के 100 रुपये चार्ज आप कर सकते हैं। ओनली डेमोग्राफी अपडेट में आपको 50 रुपये चार्ज है। ई आधार डाउनलोड करते हैं या फिर आप कलर प्रिंट देते हैं A4 शीट में तो आप यहाँ से 30 रुपये चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से यूटीआई के द्वारा अगर आप आधार सेवा केंद्र ओपन करते हैं तो इतना चार्ज आप अपने कस्टमर से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी बात करें अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, देख सकते हैं अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं यूटीआई पोर्टल के थ्रू जाके, जिसमें आपको एक नया पोर्टल में ले जाके विजिट करना है। यहाँ से आएंगे पेन तो देख सकते हैं सबसे पहले ये प्रोसेस करना है जिनमें आप रेजिडेंस इंडिया नॉन रेजिडेंस इन इंडिया आप दोनों में से ऑप्शन चूज करेंगे, आप रेजिडेंस इंडिया हैं। इसके बाद नंबर डालेंगे, आपके नंबर में OTP जाएगा, OTP डाल के फिर आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे। जैसे फिर आप यहाँ से OTP डाल के सबमिट करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं जिनमें आप एक नया एनरोलमेंट सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कुछ भी अपडेट कराना चाहे तो आप यहाँ से अपडेट पे क्लिक करके यहाँ से अपडेट कराएंगे। अब यहाँ से फिर जैसे आप इसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे जिससे एक तरीका यह भी हो जाता है आपको जो भी वहाँ से अपॉइंटमेंट वाले रहते जो आधार सेंटर लिया हो उनसे मिलने के एक आपको चांसेस बढ़ जाता है, जिस प्रकार फिर यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से आएंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है आधार या लोकेट सेंटर। इससे पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसे आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपके पास आधार का सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके लिए आप सबको मालूम है फिर यहाँ से आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसमें सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना रहता है। अगर आपको नहीं मालूम फिर अकाउंट आप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एग्जाम देना रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल में अपलोड किया हूँ जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके वीडियो को सबसे पहले देखें जहाँ आपको सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करना पता चल जाएगा। इसके बाद जब आप एग्जाम देंगे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसमें फिर आपको इस प्रकार से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपको ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट दिया जाता है आपके जो भी एग्जाम में मार्क्स आते हैं उसके अनुसार। जब आपके पास ऑपरेटर या फिर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट हो जाए तो भी आप आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं किसी भी यहाँ से फ्रेंचाइजी के थ्रू। अब जैसे फ्रेंड आपके पास यहाँ से मान लीजिए आपके पास सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर सर्टिफिकेट हुआ है तो आपको यहाँ से करना है क्या, यूटीआई की ऑफिशियल साइट में आना है।
यहाँ आने के बाद फिर आपको इसमें जाना है, फिर लोकेट सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे फिर लोकेट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं विजिटिंग आवर्स, यानी कब से कम आप इनके सेंटर में विजिट कर सकते हैं। जिनमें अगर बात करें मंडे टू फ्राइडे को, आप यहाँ से 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ से विजिट कर सकते हैं। यानी मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे से लेकर 5 बजे तक जो भी यूटीआई के द्वारा आधार सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं वो ओपन रहते हैं। इसके अलावा बात करें सैटरडे को, संडे को फिर यहाँ से हॉलीडे रहता है। सैटरडे की बात करें तो 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, यहाँ से फिर आपको मंडे टू फ्राइडे 5 बजे तक है, इसमें 3 बजे तक ही आप इनके सेंटर में विजिट कर सकते हैं। यहीं से एक ऑप्शन आपको मिल जाता है देखने के लिए फाइंड योर नियरेस्ट सेंटर, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ से यूटीआई का आधार सेंटर हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये फ्रेंड आप सबको भी मालूम होगा। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं जितने भी इसमें एरिया दिखाई गई हैं, अब यूटीआई क्या कर अपने आधार सेंटर को धीमे धीमे पूरे इंडिया में ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे फ्रेंड आपके पास काफी ज्यादा चांसेस है कि आप भी यूटीआई का आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। अगर फिर इन सभी सिटी से आप बिलोंग करते हैं या फिर जो भी आपके नियरेस्ट सिटी यहाँ से मिलती है, आपको इस सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे आप अपने ऐसे सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके नियरेस्ट सिटी मिलती है, चलिए मैं ऐसे इंदौर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आपको एड्रेस दिखाया जाएगा जहाँ से यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सिटी सेंटर सेकेंड फ्लोर है, ये पूरा इसका एड्रेस दिखाया गया। फिर आपको अब यहाँ से करना क्या, इनके एड्रेस में विजिट करना है। अब आप बोलेंगे सर हम इनके एड्रेस में विजिट करके क्या करना, तो यहाँ से आपको इनसे डिस्कस करना है। जो तरीका फॉलो करके इनको आधार सेंटर मिला वही तरीका आप इनसे पूछना है, इन्होंने किस हेड ब्रांच ऑफिस में यहाँ से विजिट किया था जिसके द्वारा इन्हें आधार सेंटर मिला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनके पास था और यहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, पासपोर्ट साइज हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑपरेटर सर्टिफिकेट आईडी, फिर यहाँ से फिर आधार कार्ड का सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आईडी आपके पास होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट को आप ओरिजिनल एंड जीरोक्स दोनों कलेक्ट करना है। इनके पास जो भी अपनी आधार सेंटर चला रहे इनके पास जाके आपको संपर्क करना, बात करना है, इनको प्रोसेस पूछना है किस तरीके से आधार सेंटर को ओपन किया था। तो सेम प्रोसेस फ्रेंड आप भी फॉलो करके आधार सेंटर बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार जितने भी रहेंगे फ्रेंड, किसी में एक रहते हैं, किसी सेंटर में दो दो यहाँ से रहते हैं। जैसे देख सकते हैं न्यू दिल्ली में अभी यहाँ से यूटीआई के 2 सेंटर ओपन हो चुके हैं, जिनमें दोनों का एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं बताया गया है। एक यहाँ से 11000 में है, एक 11006 में, ये दोनों पिन कोड में यहाँ से इनके सेंटर को ओपन किया गया है। इसी प्रकार फिर और चेक करेंगे किसी भी जगह में, तो आप देख सकते हैं यहाँ से और जगह हम चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ इसके सेंटर को ओपन किया गया। तो यहाँ से देख हैदराबाद में 1 सेंटर ओपन है, यानी फिर ये बड़ी सिटी से अब छोटी सिटी की ओर बिलोंग कर रहे हैं। तब भी अगर आपकी नियरेस्ट ये सभी सिटी पड़ती है या फिर अगर इन सिटी में आप जाने के लिए अवेलेबल विजिट कर सकते हैं, क्या इनके सिटी में विजिट करें, इनसे पूरा प्रोसेस पूछें कैसे आधार सेंटर को ओपन किए हैं ये लोग, आप इनके थ्रू भी अपने आधार सेंटर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ से एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप मंडे टू फ्राइडे विजिट करते हैं तो 9:30 बजे यानी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इनके आधार सेंटर पर विजिट करना है। वहीं फिर अगर आप सैटरडे को विजिट करते हैं तो आप 10 बजे से लेकर यहाँ से आपको 3 बजे के अंदर विजिट करना है, क्योंकि फ्रेंड ये संडे के दिन आपको बंद मिलेंगे या फिर आप इस टाइम के अलावा जाएंगे तो इनके आधार सेंटर में बंद मिलेंगे। इसीलिए फ्रेंड आपको जो टाइम यहाँ से दिखाया गया विजिटिंग आवर्स का, आपको इसी टाइम के अंतर्गत इनके आधार सेंटर में विजिट करना है, तभी यहाँ से फ्रेंड आप आधार से मिल पाएंगे और इन्हीं के थ्रू आप भी अपना एक आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। सो गाइस ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे एक नए तरीके से आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, यह तरीका भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि फिर आप हर जगह से अप्लाई कर चुके हैं। एक तरीका ये भी देख सकते हैं, अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो शायद इसके थ्रू भी आप यहाँ से अपने आधार सेंटर को ओपन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और आप में कोई भी सवाल रह गया हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, वहाँ से फॉलो करें जाके फ्रेंड आप मन में कोई भी सवाल तो आप हमसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक के ऑल पे क्लिक करें। अगर फिर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको सबको पता होगा इस चैनल पर डेली यूजफुल एवं नॉलेजेबल वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिसका पहले आपको पहुंच जाएगा। इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।